एक पुत नूं अपने मर रहे प्यो नाल मिलण लई भुख हड़ताल करनी पई। दरअसल कुर्त लैंडोफ दे पिता देस लैंडोफ जो कि कैंसर दे मरीज सन, कुर्त नूं सुदीमा एयरपोर्ट नेड़े एकांतवास किया गया सी, पर ओ अपने मरण कंडे पए प्यो नूं मिलना चाहुंदा सी, इसलिए उसने 48 घंटे भुख हड़ताल की। कुर्त का कहना है कि उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही सी, इसलिए उस कोल हड़ताल करने तो इलावा कोई होर चारा नहीं सी। कुर्त की मंग सी कि उसनु सरकारी MIQ विचों जल्द ही कढ़िया जावे ता जो अपने पिता कोल ही एकांतवास कर सके, पर अजिहा करके भी उसनु कोई राहत नहीं मिली अते अंत उसके पिता की मौत हो गई। उसका कहना है कि बाकी सारे परिवारिक मैंबर उसके पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे ने, पर वह इत्थे फसिया बैठा है। हालांकि इस मामले ते मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि लैंडोफ नू अपने पिता नू मिलन लई टेंपरेरी पास जारी कर दिता गया सी। उत्थे दूजे पासे कुर्त का कहना है कि उसनू इस बाबत कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिली सी। कुर्त ने आखिरी बार अपने पिता नू जुलाई विच वेख्या सी अते जदों उसनू पता लगा कि उसके पिता कैंसर नाल पीड़ित ने तां उसने न्यूजीलैंड वापस आउण दी सोची, पर उस वक्त डेल्टा दे आउटब्रेक कारण वह अपनी वापसी नहीं कर सकिया। कुर्त दा कहना है कि उसने वैक्सीन दियां दोवें डोजा लगवाईयां होईयां सन अते उसके टैस्ट के नतीजे भी नैगेटिव सन, पर फिर भी उस नाल अजिहा वतीरा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट NZ Punjabi News.